हेलो अभिमन, मैं एक बार फिर से मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लासों में हमने परसेंटेज पढ़ाया जो अब खत्म हो चुका है। अब हम उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। आइए कुछ इसके बारे में हम बेसिक जानकारी आप लोगों को देते हैं, उसके बाद हम सब समझा के फिर प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक में कुछ बेसिक वर्ड हैं जिनको जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में बार बार वही चीज पूछा जाता है और उसी पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे कि एक शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, कोई वस्तु खरीदी जाए एक शब्द होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं कॉस्ट, सॉरी सेल प्राइस। सेल प्राइस वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। क्रय मूल्य का होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप लोगों ने एक सुना हो लाभ। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो, यानी इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य कम होगा। आप लोग इसे समझिए, फिर हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आगे समझाने की कोशिश करेंगे। आप सबके सामने एक प्रश्न नोट है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राम ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसने वह वस्तु 535 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितना होगा? इस प्रश्न में पूछा है लाभ कितना होगा। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया। लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो वस्तु को बेचने में क्या प्राप्त होगा? लाभ। और जब विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य अधिक होगा तो वस्तु बेचने पर हमें हानि पर मिलेगी। इसमें देखो 500 रुपए खरीदी, अभी हमने बताया कि जो वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है और जब उसे बेचा जाता है तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। यहाँ पे क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 535 है, तो क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? 535। अब क्रय मूल्य कितना था? 500। तो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 35 रुपए का। तो वस्तु के वस्तु को बेचने में राम को कितने रुपए का लाभ हुआ? 35 रुपए लाभ हुआ। अगर इसी प्रश्न में राम ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसने वह वस्तु
450 रुपए में बेच दी, तो हानि कितना होगा, हानि कितना होगा? तो फिर से वही हानि निकालना है। तो अब इसमें क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो जो अधिक होगा उसको हम पहले लिखते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का वैल्यू क्या थी, 500, अब विक्रय मूल्य 450, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो राम को वह वस्तु बेचने पे कितने रुपए की हानि हुई, 50 रुपए। आप लोग प्रश्न को देखिए, आइए इसी प्रश्न में हम एक प्रश्न और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राम ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसने वह वस्तु 450 रुपए में बेच दी, तो हानि कितना होगा, हम लोगों ने निकाल लिया 50 रुपए। अगर इसी में पूछ लिया हानि प्रतिशत कितना होगा, तो इस प्रश्न को करने के लिए पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी जरूरी है। हानि और लाभ हमेशा किस मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी वस्तु पर हानि, उसी मूल्य पर हानि और लाभ दोनों होते हैं। जैसे 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई थी तो 50 रुपए की जो हानि हुई थी वो जिस मूल्य पर खरीदी उसी पे हुई थी ना। तो अगर हमें इस पर प्रतिशत निकालना है, हानि परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को नीचे लिख देंगे और जो हानि हुई है उसको ऊपर, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो हानि परसेंट क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा, 1020 और ये 5 से 10, 10। तो हानि कितने हुई, 10% की हानि हुई। यानी कि राम ने जो बस 500 रुपए में खरीदी थी और 450 रुपए में बेच दी, तो उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की। और जब पूछा जाता है कितने की हानि हुई, तो 50 रुपए की हानि हुई, और हानि प्रतिशत क्या होगा, 10%। और जैसे इस प्रश्न में पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ कितना हुआ है, 35 रुपए। कितने मूल्य पे हुआ था, 500 रुपए में हुआ था। तो लाभ अगर निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत, तो फिर से वही 500 नीचे आया, क्रय मूल्य नीचे आया, और जितने का लाभ हुआ है वो ऊपर, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। यहां से फिर 1020 और ये 5 × 35, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 7% का लाभ हुआ। बस इस प्रश्न को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अभी आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम लोग रेशियो मेथड यूज करेंगे, जिससे प्रश्न को बहुत ही जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग एक प्रश्न को देखिए, तब तक हम दूसरे प्रश्न की तैयारी करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न नोट है, ए ने एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य वस्तु का कितना है, 600। जब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 600 रुपए में खरीदी, अब वह वस्तु बेचता है तो उसको 15% का लाभ होता है, यानी कि 600 का हम 15% जब निकालेंगे, 6×15 या जाएगा 90। तो उस बस ए को कितने रुपए का लाभ हुआ, 90 रुपए का। यानी कि अगर वो 600 रुपए में खरीद के लाया है और 90 रुपए अधिक में बेचेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 600 + 90, यानी 690 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, 690 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर इसी प्रश्न में लाभ की जगह हानि लिख दिया जाता है, लाभ की जगह हानि लिख दिया जाता, तो 600 का 15% हम निकालते हैं तो 90 आता, और जब हानि हो रही है तो वह वस्तु 600 में से माइनस हो जाएगी,
क्योंकि जिस दाम पर वस्तु खरीदी गई है अगर उसमें हानि हो रही है तो जब वो बेची जाएगी तो वो 600 से कितना कम हो जाएगी, 90। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 माइनस 90, तो अब मूल्य कितना हो गया, 510 रुपए। इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में दिया है कि ए ने एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी और पहले यहां पे लाभ था, तो लाभ हम कर लेते हैं, खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जैसे हमने परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ाया था, परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब किसी वस्तु पर लाभ होता है, लाभ मतलब अधिक होता है, तो वो 100 में उतना हम जोड़ देते हैं, 100 में हम उतना जोड़ देते हैं, जितने परसेंट का लाभ हुआ 100 में हम क्या करेंगे, 15, कितना हो जाएगा, 115%। अब इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 600 का हम 115% निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 600 का 115%। अब ये एक जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो कट गया, और उसके बाद 6 × 115, इसको सॉल्व करेंगे तो 690 यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे यहां पे आया था 690, तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, टाइम थोड़ा हमारा कम लगने लगेगा। तो बस वही, अगर हमारा परसेंटेज लाभ हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे, अगर हानि हो रहा है, अब जैसे इस प्रश्न में जब हानि हो जाएगा, हानि, तो हम क्या करेंगे, 15% की जब हानि हो रही है तो फिर से वही 100 में से 15 माइनस कर देंगे, तो 600 का 100 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85/100, 1 जीरो 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गया, बचा गया 6 × 85। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 510 रुपए आ गए, यहां भी 510 आया था, यहां भी 510, तो हमारे कैलकुलेशन कम हो गई और टाइम हमारा कम लगने लगेगा। अब आगे अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम रेशियो के मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप लोग प्रश्न को देखिएगा। आइए थोड़ा सा हम आपको कुछ और भी जानकारी दे देते हैं। जैसे किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य 100 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए है, अगर उसके 15% का लाभ हो रहा है तो वह वस्तु 100 का क्या हो रहा है, 115% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 15/100 आ जाएगा, 15 का लाभ हो रहा था, यानी कि अगर उसका विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 100 + 15। अब हम इसी प्रश्न में जैसे अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ दिया हो और उसका लाभ दिया हो, लाभ दिया हो, लाभ परसेंट दिया हो, तो विक्रय मूल्य हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा उसमें लाभ परसेंट हो रहा, तो 100 से जितना अधिक लाभ दिया होगा 100 में उतना ही जोड़ देंगे, यानी कि 100 + लाभ प्रतिशत / 100। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था 600 दिया था क्रय मूल्य और वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा था, 15% का लाभ हो रहा था, तो ये 100 + 15 कितना हो जाएगा, 115/100। इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने तो 690 आया था, यानी कि क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य का 100 + लाभ परसेंट अगर हम निकाल लें तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है विक्रय मूल्य, जैसे हमने एग्जांपल में समझाया भी था। अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप लोग सुन देखिए, तो हम दूसरा प्रश्न नोट करते हैं। इस प्रश्न को आइए एक बार हम पहले पढ़ते हैं। एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ मिलता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न में लिखा है कि 3100 रुपए में बेचने पर, 3100 रुपए में बेचने पर, यानी कि ये 3100 क्या है, विक्रय मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य है,
और सोनू को 24% लाभ पर मिलता है, बेचने पर सोनू को 24% का लाभ मिलता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। यानी अभी अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया कि जितना परसेंट अधिक क्रय मूल्य जो होता है, दूसरे चीज बताते हैं आपको, क्रय मूल्य जो होता है वह हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य अपना हमेशा 100% होता है। अब जब उस वस्तु को लाभ या हानि पर बेचा जाता है, जितने प्रतिशत लाभ पर या हानि पर बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य होता है, वह विक्रय मूल्य होता है। मान लीजिए जैसे कोई वस्तु 15% हानि पर बेची गई है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 100-15 कितना, 100-15 तो क्या आएगा, 85%। या कोई वस्तु 25% लाभ पर बेचा गया है, तो 100 में 25 हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 125, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 125%। तो जैसे इस प्रश्न में दिया है, हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, 100% 3100 में बेचने पर सोनू को 124% का लाभ मिलता है। अभी हमने आपको बताया जिस जितने प्रतिशत अधिक या कम में बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य होता है, तो 24% अधिक में बेचा गया या 24% लाभ मिलता है, तो 100 में हम 24 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 124%। 124% क्या है, यह विक्रय मूल्य है। और प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया है, 3100 रुपए दिया है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, यह आएगा 31, या हम डायरेक्ट 31 से डिवाइड कर दें, ये 4% आ जाएगा 100 के। और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, सॉरी क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य में 100% है, तो 4×25 कर देंगे, यहां भी दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2500, और यहां पे 25×100, तो 100% यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 2500। अब अगर इसी प्रश्न को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, अब विक्रय मूल्य क्या होगा, 24% अधिक पर बेचा गया है, तो ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 124। अब प्रश्न में 124 की वैल्यू क्या दी थी, 3100। अब उसके बाद यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, आप लोग प्रश्न को देखिए, तब तक हम दूसरा प्रश्न नोट करके आपको इसी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। आइए इस प्रश्न को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इस प्रश्न में 300 रुपए में बेची गई, यह विक्रय मूल्य है, और फिर यहां पर यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो यह भी विक्रय मूल्य है। तो हमें पता है कि हानि या लाभ जो है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, किस मूल्य पर निकाला है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ और हानि किस मूल्य पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य। तो हमें इस प्रश्न में पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा, रेशियो मेथड से। क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य हो गया ये, अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। जब 20% के लाभ पर बेची गई थी तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 120। अब प्रश्न में 120 की वैल्यू कितनी दी थी, 300, तो 120 बराबर 300, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 300/120, 10 यहां से कट गया और ये आ जाएगा 2.5, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि क्रय मूल्य जो है 100 है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 2.5×100 यानी 250। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब पूछा गया कि यदि वह वस्तु 235 रुपए में बेची जाती, यानी कि 250 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है,
और अब उसे 235 रुपए में बेची जा रही है, तो 250 कितना कम है, 235 15 कम है, 235 की बेची जा रही है, पहले क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपए था, 250 अब वो बस कितने में बेची जा रही, 235 में बेची जा रही है, यानी कि 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 15 ऊपर, बाकी जो क्रय मूल्य होता है हमने पहले बताया था उसको नीचे लिखा जाता है। तो ये 15/250 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये हानि प्रतिशत यहां से निकल आएगा, यहां से 1-0 ये कट गया, और ये 5 से काटेंगे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यहां से ये 2 आ गया, तो क्या बचा, 3/2 तो 6%। तो हानि क्या हो जाएगी, 6% की हानि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो जैसे ही आप मेरे चैनल पर पड़े तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।